Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Friends, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया. Well, friends, कल इस फिल्म का 13th डे था, यानी कि 13वां दिन था, और इस फिल्म का सेकेंड वेडनेसडे था. अब गाइज, अब फिल्म ड्रॉप करना शुरू करेगी. कल भी ड्रॉप होगा एंड फ्राइडे, जहां पर एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर रिलीज होने वाली है, यूरी अटैक्स रिलीज होने वाली है, और साउथ में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई है, चाहे वो पेट्टा हो, विश्वासम हो, यू नो, रामचरण की फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके बाद F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन है, NTR जी की बायोपिक आई है. साउथ में बिजनेस बहुत कम हो जाएगा, KGF भी चल रही है, तो कल थर्ड वीकेंड रहेगा, वहां पर इसको सॉलिड यू नो कंसोलिडेट करना पड़ेगा 250 करोड़ तक पहुंचने के लिए, जो कि देखने लायक रहेगा. ये फिल्म करती है नहीं करती, मुझे लगता है लगभग 1000 स्क्रीन पे अगर मिले उसको इसके week 3 में, तो यू नो मजा आ जाएगा कलेक्शंस में. लेकिन गाइस, पहली बार वेडनेसडे को ड्रॉप देखने मिला है, और वेडनेसडे को इस फिल्म ने कमाए हैं 5 करोड़ 31 लाख रुपए, यानी कि 5.31 करोड़ रुपीज इज वॉट सिम्बा इज अर्न ऑन इट्स 13th डे एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस. इसी के साथ रोहित शेट्टी की जो सेकेंड हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, यानी कि गोलमाल अगेन, उसने इसके लाइफ टाइम को बीट कर दिया है, और फिलहाल इसका जो लाइफ टाइम है मात्र 13 दिनों में वो है 208.14 करोड़, यानी कि 208.14 करोड़ नेट कलेक्शन इज वॉट सिम्बा हैज अर्न इन जस्ट 13 डेज. बात करें ओवरसीज मार्केट्स की, तो गाइस ओवरसीज में सिम्बा ने 11.005 मिलियन US डॉलर्स का एक वॉपिंग अमाउंट कमाया है, जिसे हम रुपए में कन्वर्ट करें तो वो होता है 77.38 करोड़ रुपीज, यानी कि इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 330 to 345 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमा लिया है, जो कि आउटस्टैंडिंग है ऐसी तरह की फिल्म के लिए. एंड गाइस, द नंबर्स कमिंग इन आर रियली अनबिलीवेबल. ओके गाइस, सो एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आज अगर यह फिल्म लगभग 5 करोड़ भी कमाती है तो 213 करोड़ तक पहुंच जाएगी. फिर इसके पास एक यू नो बोलते हैं ना हल्क टास्क रहेगा, कि अपने थर्ड वीक में जाकर कैसे भी किसी तरह भी 37 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करने के लिए. देखने लायक रहेगा, कट टू कट फिनिश रहेगी. क्या लगता है, क्या सिम्बा 250 करोड़ जाएगी नहीं जाएगी, बताइए मुझे से कमेंट सेक्शन में. श्याम अंसारी साइनिंग ऑफ, वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.